हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय टू न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। जैसा कि मैं गया हुआ हूँ घणानाथ में। घणानाथ में थोड़ा सा आज चतुर्दशी थी तो सोचा कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके आऊँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कार्यों में दोस्तों सभी लोग व्यस्त होंगे। अपना अपना कार्य करना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम जा रहे हैं घणानाथ। घणानाथ में आपको कराएंगे भोलेनाथ जी के दर्शन, भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराएंगे। उसके बाद हमने करनी है एक छोटी सी पूजा। हल्द्वानी से आए हुए हैं कुछ श्रद्धालु जन, हरीश चंद लोहनी जी वगैरह वगैरह, तो उनकी उनकी पूजा वगैरह करानी है। अभी मैं ये वीडियो यहाँ से इसलिए बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं बिना कोट की रोड। बिना कोट में कोई रोड नहीं, आज तक बिना कोट ग्राम सभा में कोई रोड बनी ही नहीं है। इतना समय बीत गया है, हर एक सरकारें आई पर बिना कोट में आज तक रोड नहीं बनी। यह भी एक विशेष बात है भाई, हर गांव में रोड है, एक बिना कोट गांव ऐसा है जिसमें कोई रोड ही नहीं है। तो ये रोड का हमारा बहुत गंदा, बहुत गंदी रोड है, बहुत डेंजरस रोड है। हम लोग जाते हैं इसी तरीके से बाइकों में, मैं घर तक ही बाइक लेके जाता हूं, तो इसी तरीके से जो भी है ऐसी बेकार रोड है। तो इसमें रोड है नहीं, ये एक पैदल रास्ता है, मैं इस पैदल रास्ते में ही बाइक लेकर के आता हूँ। कई बार यहाँ के लिए बजट आए भी है तो काम यहाँ नहीं हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि आज तक कोई सरकार यहाँ पर हमको रोड नहीं दे पाई बिना कोट ग्राम सभा में। बहुत गंदी रोड में, इस रास्ते में देख सकते हैं आप कितना छोटी सी जगह है, इससे हमें बाइक निकालनी पड़ती है, चढ़ाई है। तो आज तक किसी सरकार ने भाई हमारी ये बात तो सुनी नहीं। हमें बिना कोट ग्राम सभा को आज तक रोड ही नहीं मिल पाई किसी की भी सरकार में। कांग्रेस की थी तब नहीं मिल पाई, अभी बीजेपी की सरकार है तो तब भी नहीं मिल पाई। चाहते तो मिल सकती थी, अगर सरकार चाहे तो हमें रोड बिना कोट के लिए दे सकती थी। अब यहाँ से थोड़ा ठीक रोड है, अब मैं जाऊँगा अभी ताकुला से, फिर रुकने के बाद थोड़ी सी घणानाथ में, फिर अभी बाद में मेरी एक पूजा है। हल्द्वानी से कुछ लोग आ रहे हैं, अभी ताकुला पहुँचाऊँ। ताकुला का आप सुंदर सा व्यू देखिए दोस्तों, और उसके बाद अभी मैं जाऊँगा घणानाथ। आज मैंने नया स्टैंड लिया था तो सोचा मैंने लगाऊँ, तो अभी मेरे को सेट करना दरअसल आया नहीं है स्टैंड को, तो अब मैं इसे सेट करूंगा, सही से लगाऊंगा, फिर आपको अच्छी अच्छी वीडियोस दूंगा। ओके, आप बने रहिएगा, वीडियो आगे से स्किप दोस्तों मत करिएगा, पूरी देखिएगा और सबको शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों का बहुत सारा ढेर सारा प्यार, हमें बहुत अच्छा लगता है दोस्तों आपका इतना सारा प्यार हमें मिलता है। आपका ऐसे ही प्यार बना रहे जल्दी जल्दी, अब मेरा चैनल भी जो मोनेटाइज होने वाला है, और आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के स्नेह से, आप लोगों के बिना हम कुछ भी नहीं हैं दोस्तों। आप जब हमारे हमें हमारी वीडियोस वगैरह देखते हैं, शेयर करते हैं, तभी हमें व्यूज़र मिलते हैं, फॉलोवर सब तभी मिलते हैं। तो सब लोग जिसने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिएगा, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, सबको शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोगों का इसी तरीके से हमें प्यार मिलता रहे। हर हर महादेव, देख सकते हैं कार्य जो है, कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है घणानाथ में। अभी बीम कॉलम इत्यादि पड़ गए, आगे सामने यहाँ पर चूल्हे वगैरह थे, मैंने हाथ लगाया, अब देखो क्योंकि धूप से एकदम दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर पूरी रसोइयाँ तैयार हो चुकी हैं, पूरे टीन डल चुके हैं, कार्य बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि अच्छी ही तरीके से हो सारा कार्य, और सुंदर बढ़िया सुसज्जित तरीके से एक देवस्थल घणानाथ धाम, बिल्कुल घणानाथ धाम जैसे जैसा लगे, यही प्रार्थना करेंगे। हर हर महादेव। अंदर का सुंदर सा व्यू देख सकते हैं आप, यहाँ मैंने पहले भी दिखाया था, पूरा बंद हो चुका पूरी जानों से, बहुत सारा और कार्य होना है, यहाँ पर बहुत काम बचा हुआ है। हर हर महादेव। दिनकर भगवान की जय, दिनकर करें भगवान की जय। यहाँ रखते हैं वहाँ तुरीयं किरायान को
कर भी रहे, आपको करा भी रहे, आप लोग सभी मित्र। ये आपका नाम क्या हुआ? ये हल्द्वानी से आए हुए हमारे सतीश चंद्र लोहनी जी और जम खिताओ से आए हैं और पूर्वज यहीं के रहने वाले हैं। तो आज अचानक हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ इनकी पूजा करने का और इनका कॉल आया तो मैं यहाँ शीघ्र ही आया और इनकी पूजा की। पूजा बढ़िया तरीके से संपन्न करके अब इन्हें आशीर्वाद विदाई। और जो भी यहाँ का कार्यक्रम था वो तो मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी बाजी में सारा कार्य हुआ, तो मैं पूरी वीडियोस यहाँ की बना नहीं पाया, सॉरी उसके लिए।